नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें डीएलएड जो है प्रवेश के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं और आवेदन शुल्क जो है वो 600 रुपये रखा गया है। डीएलएड जो होता है बीटीसी वाला, तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि बीएड बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है बीटीसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीटीसी वाले केवल और केवल प्राइमरी के लिए जा सकते हैं और बीएड वाले जो हैं इंटर कॉलेज में, राजकीय इंटर कॉलेज में, केंद्रीय विद्यालय जितने भी होते हैं, जैसे आपका नवोदय विद्यालय हो गया, इसके बाद केंद्रीय विद्यालय है और भी कई सारे जो डीपीएस वगैरह स्कूल है उसमें बीएड ही मांगते हैं, ना कि डीएलएड। डीएलएड केवल 1 से 5 तक होता है और जो इसके बाद जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो है बीएड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें आवेदन जो है, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत जो है 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने और इसमें जो है जा रहे हैं। इसमें शासन ने डीएलएड जो बीटीसी 2022 की जो है प्रवेश परीक्षा से संबंधित समय सारणी जो गुरुवार को जारी कर दी गई है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें जो है कि दोबारा ओएमआर सीट जांचने में पारदर्शिता की किया जाएगा प्रदर्शन। मतलब क्या, इसमें जो है एडिट कॉलेज के अंतर्गत जो अशासकीय विद्यालय जो सहायता प्राप्त वाले विद्यालयों में, इसमें जो है दोबारा ओएमआर सीट चेक हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि धांधली हुई थी इसमें जो है, इसलिए इसका रिजल्ट अभी रोक दिया गया। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा की कॉपियाँ जो ओएमआर सीट है उनका पुनर्मूल्यांकन के लिए जो है कोर्ट में इन्होंने कर रखा, क्योंकि आपने देखा होगा जिसके 3 नंबर हैं तो उसके जो है बढ़ा दिए गए हैं। कहना मतलब क्या, दोबारा ओएमआर सीट जांचने के पारदर्शिता को किया जाएगा प्रदर्शन। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें जो है लोगवार इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन की जांच की जाए। कहना मतलब क्या, दोबारा से मूल्यांकन करके जो है फिर एक बार इसका दोबारा रिजल्ट घोषित करा जाए कि दोबारा ओएमआर सीट जांचने में पारदर्शिता किया जाएगा प्रदर्शन। यहाँ पर देख लीजिए आप स्वयं जो है, इसमें लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है 51,000 पदों पर जो है वो शिक्षक भर्ती आ रही है। साथ में जो है इसमें सरकार ने बोला था कि शिक्षकों की हम भर्ती 51,000 पदों पर करने जा रहे हैं। इसमें जो है कि शिक्षकों की सूचना ना देने वाले 60 से अधिक जनपदों से जवाब तलब क्या है कि इसमें जो है इसमें निर्धारित समय से 12 अंक की समेत 12 जिलों ने सूचना दे दी गई। कहने मतलब क्या, 12 जिलों ने तो सूचना दे दी कि हमारे यहाँ पर इस जनपद के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में इतने शिक्षक के पद खाली हैं, पर अभी जो है 60 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ब्यौरा भेजा ही नहीं कि हमारे ज़िले में कितने टीचर हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, तो बेसिक शिक्षा विभाग ने जो है सभी जिलों से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो है इसमें अनुपात मांगा गया, मतलब एक शिक्षक को जो है 35 अभ्यर्थी होने चाहिए और कितने पद खाली हैं इसके अंतर्गत पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी पड़ेगी जिलों के अंतर्गत। तो इसमें जो है इसका भी विज्ञापन आने वाला है। जिस तरीके से इंटर कॉलेज के अंतर्गत टीजीडी पीजीडी का 4,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है, वैसे ही जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आने वाली, तैयार रहिएगा। इसमें भी हो सकता है कि जो है अगस्त तक ये भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे बाकी जो 60 से अधिक जवाब तलब उनसे होगा लिखा हुआ है। इसमें जो बांदा, बारामी, बंकी, बिजनौर, चंदौली, देवरिया, गोंडा, बस्ती, इसमें जो संभल वगैरह ने शिक्षकों का ब्यौरा भेज दिया। केवल अभी जो हैं 60 जिले ऐसे जिन्होंने अभी तक अपना ब्यौरा नहीं भेजा है। इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो है कि अब 27,000 पदों पर जो है टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसके बाद जो तुरंत सरकार ने बोला था, जो पैट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं इसमें 50% जिसका है वो सीधे इंटर कॉलेज में क्लर्क बनेंगे बिना किसी एग्जाम के, मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर ही जो है भर्ती हो जाएगी। फिर इसके बाद तुरंत ही चपरासी भर्ती करने का वादा किया सरकार ने। 20,000 पदों पर जो है इंटर कॉलेज में प्योन भर्ती भी आ रही है। अब इसमें जो शिक्षक भर्ती तो आ चुकी 4,000 पदों पर मांग कर रहे हैं कि जो आप स्वयं देख सकते हैं, जो 27,000 पदों पर जो है टीजीडी पीजीडी इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं लोगवार। इसमें आप देख लीजिए लिखा हुआ है, टीजीडी पीजीडी में जो 5,000 से कम पदों पर विज्ञापन जारी किए जाने से युवाओं में नाराजगी है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, याद दिलाकर जो है 27,000 पदों पर जो भर्ती की मांग कर रहे हैं। युवा मंच के जो संयोजक है वो राजेश ने कहा है कि जो है कि इसके अंतर्गत जो है लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उनमें सरकार ने बोला था कि उन पदों को ख़त्म करके जो है इनके जो तदर्थ शिक्षक के पद ख़त्म करके एक सीधी भर्ती निकाली जाएगी। इसमें जो है इसके खिलाफ जो है जल्द मीटिंग का प्रयागराज और लखनऊ में आंदोलन छेड़ा जाएगा। विभिन्न विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए मांगे गए आवेदन, ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 6 जुलाई। व्हाट्सएप जितने भी यूज़र हैं उसमें लंबे समय इंतजार के बाद आखिरकार व्हाट्सएप ने यूज़र के लिए जो है कम्युनिटी फीचर के लिए रोल कर दिया, आउट करना शुरू कर दिया। इसमें क्या, इस फीचर में आप जो है ग्रुप सदस्यों की संख्या 512 है, पहले 200 प्लस थी पर अब जो है 512 बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो है आप जो है व्हाट्सएप पर 2 GB तक फाइल शेयर कर सकते हैं, पहले जो है केवल 40 MB की फाइल शेयर होती थी।
अब बात करते हैं अगली खबर की, और UPSC जो है कर्मशाला अनुदेशक मशीन माप के जो 25 पदों के परिणाम हुए घोषित। मतलब क्या, इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए, देखो आप स्वयं देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग से जितनी भर्ती आती है वो सीधी भर्ती होती है, कि इसमें लिखा हुआ है कि इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए 3, 4, 6 और 7 जून को हुआ था साक्षात्कार। केवल इंटरव्यू के आधार पर जो है भर्ती होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों पर जो है इन्होंने सूचना जारी कर दी गई है, इसमें रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसमें जो है सीधी भर्ती के लिए विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अब इंटर कॉलेज के जो राजकीय इंटर कॉलेज, इसमें क्लर्क भर्ती भी डायरेक्ट सीधी होगी केवल इंटरव्यू के आधार पर। और जो है इसके बाद जो है TGD PGD इसके अंदर भी, जो GIC के अंतर्गत भी आने वाली भर्तियाँ हैं। राजकीय इंटर कॉलेज का अंतर्गत बाबू और चपरासी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, लिखा हुआ है इसके अंदर। जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातकोत्तर शोध एवं जो पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु ऑनलाइन, मतलब क्या है 2022-23 में जो आप प्रवेश लेना चाहते हैं इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इसका जो 1 जुलाई से इसमें क्या आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई होगी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, 1 महीने के अंदर ही जो है NTPC लेवल 6 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। यहाँ पे आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ पिछले 9 महीने और 10 महीने को जो है 10 मई को जो है इन्होंने जो है परीक्षा कराई थी, पर NTPC लेवल 6 की परीक्षा का परिणाम जो है फिलहाल जो है इन्होंने घोषित कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है जो RRB परीक्षा के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन। RRB जो रेलवे जो RRB परीक्षा ना देने वाले जो सॉरी देने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जो रिक्त पदों को ठीक से विज्ञापित न करने पर मौलिक अधिकार का हनन। इसमें क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रिक्त पदों के लिए जो है ठीक से विज्ञापित नहीं करने से उम्मीदवार के लिए जो मूल हनन हो रहा है, यह जो है उचित प्रक्रिया का पालन न किया जा रहा है। मतलब वही चीज़, विज्ञापन 27,000 पदों पर आना था और इन्होंने जो 4,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, और विद्यालय प्रबंधक ने जो लिपिक भर्ती का विज्ञापन एक स्थायी समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। मतलब क्या, इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो क्लर्क भर्ती है इसमें विवाद था कि जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें जो उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट के द्वारा जो है लिपिक भर्ती और चपरासी भर्ती के लिए इन्होंने बोला है कि जो है पहले एक केवल वहाँ के जो अमर उजाला होता है वहीं विज्ञापन बस वो घोषित करते हैं और तुरंत भर्ती कर लेते हैं ले देके। ठीक है, आप स्वयं देख सकते हैं विद्यालय प्रबंधन अगर भर्ती करेगा तो आप स्वयं सीख सकते हैं कि किस तरीके से भर्ती होती है मैनेजमेंट के द्वारा। और इसमें लिखा हुआ समझौते के बाद वैक्स एवं रद्द। इसमें देख सकते हैं कि जो है लाहौर की डिग्री भी मान्य कर दी गई है। इसमें क्या है 25 साल पहले जो विषय समाप्त हो गए थे, अब उसके लिए इन्होंने 4,163 पदों पर TGD PGD के विज्ञान के पद मांगे गए हैं, पर इसमें लाहौर के पाकिस्तान की जो डिग्री भी मान्य कर दी गई शिक्षक के लिए। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं लाहौर के प्रमाण पत्र पर यूपी में शिक्षक की नौकरी, मतलब क्या है यूपी की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो है लाहौर का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मतलब यूपी वालों को नौकरी मिल नहीं रही है, पाकिस्तान वालों को नौकरी इन्होंने दे दी गई है। इसमें देख सकते हैं आप भी जो है पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है जो है लाहौर के प्रमाण पत्र पर यूपी में शिक्षक की नौकरी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन कोई भर्ती आपके हाथ से निकल ना जाए, कोई सूचना आपके हाथ से छूट ना जाए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।